अमित पूरी जानकारी क्या है, जिस तरह से क्रेडिट बैंक क्रेडिट का जो मामला था 2,36,000 रुपए जो बैंक के बाहर जो एक व्यक्ति लेके जा रहा था किसान, उसका बैग चोरी हो गया है, पूरा प्रकरण क्या है अमित? हाँ मकवाना जी, मैं आपको बता दूं जी कि बकानी कस्बे में एक किसान द्वारा जी किसान क्रेडिट कार्ड के 2,36,000 रुपए निकाले गए थे जी। जो पैसे निकालकर बाहर आ रहा था तभी घात लगाए बैठे कुछ अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके कपड़ों के ऊपर गंदा पदार्थ डाल दिया। वह उस कपड़े के गंदे पदार्थ को धोने के लिए एक दुकान के ऊपर उसने बैग रख दिया, उस बैग रख के वो कपड़े को धोने लगा, तभी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वो बैग चुराकर वहां से भागने में कामयाबी हासिल की जी। तो अभी पुलिस क्या कर रही है पूरे मामले में, पुलिस को सूचना मिली है इस पूरे प्रकरण में? पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने आसपास सभी लोगों से इसकी तलाश की है और सीसीटीवी फुटेज तलाशने में पुलिस लगी हुई है। कौन सी बैंक थी जहां से ये पैसे निकालकर किसान बाहर आया था? सेंट्रल बैंक थी, सेंट्रल बैंक का ये मामला है, सेंट्रल बैंक से बाहर आया हुआ था और इस टाइप का मामला पहले भी हो चुका है। इसी प्रकार से एक गरवाड़ा निवासी व्यक्ति के ऊपर गंदा पदार्थ डालकर उसके भी पैसे का बैग चुराने का मामला पहले भी सामने आया था, जिसमें पुलिस ने कामयाबी हासिल की है पूर्व वाले मामले में। तो अभी ये पुलिस ने नाकाबंदी शुरू कर दी है और लगातार जो घटना पूर्व में भी हो चुकी है, अभी फिर घटना हुई है, इसमें जो फरियादी है जिसके साथ ये घटना हुई है उसका क्या कहना है, वो कहाँ का निवासी है और क्या नाम है उसका? वह अमरपुरा का निवासी है, वह एन सिंह नाम है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन सिंह। हाँ, क्या मामला हुआ आज आपके साथ? मेरे साथ ये मामला हुआ था, वो सेंट्रल बैंक का रुपया चढ़ा के लाए थे 2,36,000 जी। वहाँ से वो आ गए हमारे ऊपर, इतने गंदी चीज छड़ दी, मुझे जाने मैंने टमाटर को जूस है जी, मैंने हाथ लगाए तो जरूर जरूर लगी, तो मैंने परमाने दो गया और मैंने कहीं कमी दो लाने इन्हें रुपया मिल गया और मग्गो पर नहीं जाकर दो रही थी, किसकी दुकान पर रखे थे पैसे आपने? शाम जी की दुकान पर रखे थे। अच्छा, उसके बाद फिर पैसे का पता नहीं चला? नहीं चला। तो आप उन लोगों की शक्ल जानते हो क्या, कितने लड़के थे वो? एक ही लड़का था। अच्छा, तो इसका मामला थाने में दर्ज करा दिया आपने? रिपोर्ट तो नहीं करी, सामान अच्छा। तो आपको किसी के ऊपर शक है क्या? अब सर तो कहीं बताओ साहब आपने।